प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया मुरीद है। पीएम मोदी के नेतृत्व में जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है उसने सभी को प्रभावित किया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी को एक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलने जा रहा है। अगले हफ्ते एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी को सोरावेक वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से नवाजा जाएगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी को ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए सम्मान मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के आयोजक IHS मार्केट ने बताया है कि सम्मेलन 1 से 5 मार्च के बीच इस बार वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। यह इसका 39वां संस्करण होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी मुख्य भाषण भी देंगे। सम्मेलन में प्रमुख वक्ताओं में जलवायु परिवर्तन पर विशेष अमेरिकी राजदूत जॉन कैरी, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह अध्यक्ष और ब्रेक थ्रू एनर्जी के संस्थापक बिल गेट्स और सऊदी अरामको के CEO अमीन नासर शामिल हैं। IHS मार्केट के वाइस चेयरमैन और कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डैनियल यर्गिन ने कहा है कि हम भारत के प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए उत्सुक हैं। डैनियल यर्गिन ने आगे कहा कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के दृष्टिकोण को देख रहे हैं। देश और दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सतत विकास, भारत के नेतृत्व के विस्तार की अपनी प्रतिबद्धता के लिए पीएम मोदी को सोरावेक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा और हम इसे लेकर बेहद खुश हैं। यर्गिन ने तारीफ करते हुए कहा कि भारत आर्थिक विकास, गरीबी कम करने और एक नई ऊर्जा भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण का केंद्र बनकर उभरा है। गौरतलब है कि इस वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ऊर्जा उद्योग से जुड़े विशेषज्ञ, सरकारी अधिकारी और नीति निर्माता सहित अन्य लोग शामिल होते हैं।